तो कैसा बिजनेसमैन बनना है? ब्रांड एम्बेसडर 100 साल में चाहिए या 10 साल में? डायमंड शिप 3 साल में चाहिए या 30 साल में? 3 साल में चाहिए। तो मूव आउट फ्रॉम योर कंफर्टेबल जोन, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आना। ये जो आप अभी रूटीन बिजनेस कर रहे हैं आंख बंद करके नौकरी के जैसा, उस रूटीन बिजनेस को छोड़ना पड़ेगा और डेवलपिंग बिजनेस करना शुरू करना पड़ेगा। और उसके लिए मेरे दोस्त बेसिक काम आपको जरूर करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक वर्क करना। आज वही लीडर अपने इंडस्ट्री में महान है जिसने कभी बेसिक काम को नहीं छोड़ा। वही लीडर बहुत बड़ा बिजनेस कर पा रहा है आज के डेट में जिसने बेसिक काम को नहीं छोड़ा। मुझे बड़ा ताजुब होता है जब कोई बोलता है कि मैं डायमंड हूं, मैं प्रेस लिस्टिंग करूंगा क्या, मैं इन्विटेशन करूंगा क्या, मैं प्लान करूंगा क्या। चाहे नेवी ऑफिसर कितना भी बड़ा हो, तैरना कभी नहीं भूलता। जिस दिन उसकी तैरने की आदत चली गई, समझ लो उसकी मौत उसी दिन से उसके सामने मंडरानी शुरू हो जाएगी। एरोप्लेन चलाने वाले, चाहे वो कितने भी पुराने प्लेयर क्यों ना हो, पैराशूट लगा के जंप करना वो कभी नहीं भूलते, क्योंकि जिस दिन इस बेसिक काम को वो भूल गए, उस दिन समझ लो मौत उनके सामने तांडव मचाना शुरू कर देगी। याद रखना, आज तक इस दुनिया में जितने भी बिजनेसमैन बड़े बने हैं, उन सारे बिजनेसमैन की आप कहानी उठा के देख लो, सबने बेसिक काम हमेशा किया है। क्योंकि जब आपका फोकस बेसिक काम पे होगा, जब आपका कंट्रोल और पकड़ बेसिक काम पे होगा, तो इस दुनिया की कोई ताकत तुम्हें डरा नहीं सकती है। ये जो डाउनलाइन तुम्हें धमकी दे देती है ना टाइम टू टाइम, सर मेरा दूसरा लेग चलाओ नहीं तो हम चले KKPL में, MMCL में, CWPL में, ये धमकी आते रहती है ना आपको। ये इसलिए आती है, ये धमकी इसलिए आती है क्योंकि आप इस धमकी से डरते हो। जिस इंसान को बेसिक काम आएगा वो इंसान जीवन में कभी धमकी से नहीं डरेगा। मेरे दोस्त, मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए 11 साल हो गए, 11 साल। फर्स्ट बार जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का प्लान किसी इंसान ने दिया था, मैंने उस इंसान से कोई डिमांड नहीं किया, मैंने एक ही डिमांड किया था कि जिस चीज से तू प्लान दिखा रहा है वो चीज मुझे मिलेगा कैसे। उसने बोला आप इसका क्या करोगे, मैंने बोला मुझे वो चाहिए, क्योंकि अगर मेरे पास नहीं रहेगा तो मुझे किसी को समझाना होगा, तो मैं कैसे समझाऊंगा। उसने बोला लिस्ट बनाओ मैं मिलूंगा, मैं बोला तुम्हारा क्या भरोसा, कल जा रहे हो रास्ते में तुम्हें कुछ हो गया निकल लिए तो मेरे पैसे तो गए ना भाई, इसलिए तुम अपना भरोसा छोड़ो, फोल्डर मुझे दो और मुझे बताओ इसको समझाना कैसे 5 मिनट के अंदर। और तब से लेके आज तक मेरा प्लान आज तक मेरे अपलाइन ने नहीं किया है, आज तक मेरा सिंगल प्लान मेरे अपलाइन ने नहीं किया है आज तक। 2016 में जब हमारी मीटिंग महिपाल सर से हो रही थी और गुरुजी जब SLPS वेलनेस का प्लान समझा रहे थे, प्लान समझाने के बाद अगले दिन हम कुछ लोगों के साथ बैठे, सर ने बोला अमित सर अब क्या करना है, मैं बोला गुरुजी अब कुछ नहीं करना, आप निकलिए कल से DD जाना शुरू हो जाएगा। बोले क्या बात कर रहे हो, प्लान दे लोगे? बोला सर कल मैं कर क्या रहा था, ये तो सीख रहा था प्लान दिया कैसे जाता है, कल जो आपने 4-5 प्लान दिया मैं समझ गया प्लान होता कैसे है, अब आप यहां से निकलो बाकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर छोड़ दो, इस वीक के अंदर 30 क्लोजिंग जाएगी 100% कन्फर्म। बेसिक काम अगर आपको आएगा ना तो आप हमेशा कॉन्फिडेंस में रहोगे। आज डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी डाउनलाइन आपसे नाराज होती है, एक ही रीजन है, अपलाइन मेरे डाउन में बंदे नहीं डाल रहा है। हाँ या ना, क्या है रीजन? अपलाइन मेरे डाउन में, यही तो है सबसे बड़ी समस्या। अगर अपलाइन बंदे डालता रहे तो अपलाइन तुसी ग्रेट हो, यही तो होता है, और अपलाइन बंदे ना डाले तो साला कमीना ऊपर बैठ के खा रहा है, यही तो है प्रॉब्लम। यस या नो? और बंदे डालने के लिए हमेशा बेसिक काम करना पड़ेगा मेरे दोस्त। आज मेरा लगभग 14 लाख लोगों का नेटवर्क है, मैं आपको बताना चाहूंगा 5000 बंदे मेरे डायरेक्ट हैं जिनको मैं डायरेक्ट प्लान करके लाया हूं, उनके थ्रू ये नेटवर्क बना है। आज भी इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी हमारे कंपनी के टॉप अचीवर मिस्टर महिपाल सर आज भी प्लान करते हैं, टेबल प्लान, आज भी फोल्डर लेके प्लान करते हैं लोगों को, आज भी इन्विटेशन करते हैं, आज भी सर के पास लिस्टिंग होती है। कंपनी के रॉयल एम्बेसडर हमारे महागुरु मिस्टर शिव कुमार सर
आप पता करना और देखना, आज भी सर प्लान करते हैं, आज भी, और तुम टुपाज लेवल पे बोलते हो मैं टुपाज हूं, मैं क्या प्लान करूं। सोचो, ये है फर्क मेंटेलिटी। आप रूबी स्टार पे बोलते हो सर अब तो मेरी टीम प्लान करेगी, मैं क्यों प्लान करूंगा। कंपनी का एम्बेसडर आज भी प्लान करता है। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं किसी के साथ प्लान कर रहा था और कोई लाके मेरी टीम को मेरे सामने बैठा दिया और मैं उसको प्लान चिपकाया जा रहा हूं। लास्ट में मैंने फॉलोअप करके डीडी पैसे तक निकलवा दिया, फिर लास्ट में हाथ जोड़ के बोल रहा गुरुजी हम आप ही की टीम से हैं। हुआ है मेरे पास साथ कई बार। तब उसके अपलाइन का फोन आया, सर आप इधर आए हुए कहें। हाँ यार, किस बंदे ने बुलाया था, मैं आ गया था, जब टाइम था तो क्या करे। बड़ा वो नहीं है जो लीडर बन के चेयर पे बैठे, बड़ा वो है जो हमेशा ग्राउंड में दिखे। समझ में आ रहा है? तुम सफायर बन के चौड़े हो जाते हो, सर 360,000 आया है। मेरे भाई, इस घड़ी की कीमत 375,000 की है, तुम्हारी सफायर की चेक इस घड़ी में घुस जाएगी। तो क्या आया तुम्हारे पास? बेसिक काम छोड़ देने वाले लोग कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कभी भी अपने रैंक का ईगो मत पालना। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जितना अच्छा लिस्ट आप बना सकते हैं, फ्रेशर बना सकता है क्या? सबसे अच्छी इनविटेशन कौन कर सकता है, सिल्वर गोल्ड या एमराल्ड टोपाज रूबी स्टार? एक फ्रेशर किसी से बात करे और एक आप किसी को इनवाइट करना रोड पे, रिजल्ट ज्यादा अच्छा किसमें आएगा? किसमें आएगा? आपके वाले में आएगा, नहीं आएगा? आप किसी को प्लान दो और एक फ्रेशर गोल्ड किसी को प्लान दे, बंदा ज्यादा प्रभावित किससे होगा, आपसे या गोल्ड के प्लान से? किससे प्रभावित होगा? एक डायमंड किसी को प्लान करे और एक सिल्वर गोल्ड किसी को प्लान करे, रिजल्ट आने का चांस ज्यादा किसमें है? लेकिन होता जस्ट उल्टा है। सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम एमराल्ड बेचारे प्लान करते हैं और टोपाज रूबी स्टार सफायर डायमंड चौड़े होकर घर में बैठे रहते हैं, भैया मैं तो लीडर हूं। ये सबसे बड़ी बदनसीबी है। अरे मेरे भाई, किसी बड़े दुकान में जाओ, अगर उस दुकान में स्टाफ किसी दिन कम आया, उस दुकान का मालिक लोगों को कपड़े दिखाना शुरू कर देता है निकाल निकाल के। अब जाके आजमा के देखना, बिजनेस एटीट्यूड है उसके अंदर। वो ये नहीं देखता कि मैं तो मालिक हूं, मैं थोड़ी कपड़ा दिखाऊंगा यार किसी को। वो जूते निकाल के पहनाना शुरू कर देता है, वो रेस्टोरेंट में खाना ले आके सर्व करना शुरू कर देता है अगर उसके बेटर नहीं आए हुए हैं तो। वो ये नहीं देखता कि मैं मालिक हूं, उसको पता है यही मेरा काम है और जीवन भर हमें यह काम कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये होता है बिजनेस एटीट्यूड। तो आप कौन से धंधा कर रहे हैं? बेसिक काम भूल गए लोग घर में बैठे हुए। लोग बोलते हैं सर आज कोई प्लान नहीं हुआ तो मैं घर से बाहर नहीं निकल पाया। मेरे दो भाई, प्लान होता नहीं है, प्लान फिक्स करना पड़ता है। आप क्या करते हैं? प्लान होने के इंतजार करते हैं। कोई डाउनलाइन कॉल करे और वो बोले गुरुजी आज यहां चलना है, तो हम तैयार होकर निकल गए और डाउनलाइनों ने नहीं किया तो हमारे निकलने में 12-1-2-1 दिन भर निकलते ही नहीं। ऐसी हो रहा है, नहीं हो रहा है? इस आदत को बदलना पड़ेगा, इस आदत को चेंज करना पड़ेगा। बिजनेस के अनुसार मत चलो, बिजनेस को अपने अनुसार चलाओ। डाउनलाइन के अनुसार काम मत करो, अपने अनुसार अपनी डाउनलाइनों को काम कराओ। जिस दिन ये एटीट्यूड, ये आदत आपके अंदर हो जाएगी मेरे दोस्त, उस दिन से आपके चेक हर 3 महीने के अंदर डबल होने से कोई रोक नहीं सकता। ये बहुत बड़ा गड्ढा है मैं जिसकी बात कर रहा हूं, ये बेसिक काम न करना। एक बार सोच के देखो कि पिछले महीने मैंने अपनी खुद की कितनी नई ज्वाइनिंग डाली। अगर जवाब 0 आ रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो समझ ले अच्छे नेटवर्कर नहीं हो। आप अच्छा बिजनेस कर ही नहीं रहे, चाहे वो डायमंड है, चाहे ब्लू डायमंड है, चाहे ब्लैक डायमंड है, चाहे कंपनी का क्राउन डायमंड है। बिजनेस बड़ा उसी का होता है जिसकी पर्सनल सेल हमेशा बिजनेस में आती चलती। अच्छा तुम सोचो, बाइनरी में तो आप ड्रामा कर लेते हैं कि मेरा एक लेग अपलाइन चला देगा, दूसरा हम चला लेंगे। अगर आप जनरेशन प्लान में होते जहां 11 होता है तो कितनी बार अपलाइन से रोते। लेकिन सोचो वहां आप क्या करते, क्या बोलते? सर 2 तो चला दिया, प्लीज तीसरा चला दो, बोलते? सोचो ना, यहां कम से कम 1 तो चला देता है अपलाइन और 2 ही चलाने हैं। लेकिन वहां होते तो आप बिना बेसिक काम के तो चल ही नहीं पाते। वहां वही चल पाता है जो हमेशा पर्सनल काम डायरेक्ट करते रहता है। डायरेक्ट 13 स्पॉन्सर डालना पड़ेगा। आज इंडिया का सबसे टॉप अर्नर 75 लेग मेंटेन करता है, तब जाके 60-65 लाख की उसकी महीने की इनकम आती है। 75 लेग
अब आप सोचो, कम से कम 75 नए रेफरेंस तो डाले होंगे ना उस बंदे ने, और तुम्हारे नए रेफरेंस कितने हैं? और रेफरेंस डालना नहीं है, हर नए रेफरेंस को डेवलप करना भी एक चैलेंज है। आपने कितने नए रेफरेंस डाल के डेवलप किए हैं बताओ मुझे, सोचो एक बार। ये है हमारे बिजनेस का गड्ढा, ये है दो लेग के प्लान का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ा गड्ढा, क्योंकि यहां सपोर्ट इतना मिलता है कि लोग कमजोर हो जाते हैं। बाहर सपोर्ट नहीं मिलता तो लोग अपने ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, फिर वहां अपनी डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं। अरे प्रेफरेंस है मेरे भाई, ये प्रेफरेंस है स्लीपियस वेलनेस का प्लान, इसको अपनी कमजोरी मत बनाओ। इतना अच्छा मौका मिला हुआ है, इसको अपनी ताकत बनाओ। दूसरे को दोष तब दो जब कम से कम आपकी आखिरी ताकत बिजनेस में लग गई हो। आपकी आखिरी ताकत अभी लगी नहीं है, पूरी तरह से आपने अभी तक झोंका ही नहीं है। झोंक दे अगर एक टोपाज यार, जिसके पास 1.5 लाख के चेक का स्टेटमेंट है, वो मार्केट में जाके हाथ मिला के अगर किसी को इन्वाइट कर दे तो क्या लगता है लोग मना कर देंगे? तो फिर आप क्यों नहीं करते? यह है गड्ढा, यह है बिजनेस का ड्रॉबैक, और इस ड्रॉबैक को हमें खत्म करना पड़ेगा। तैयार हो? कसम खाओ आज के बाद बेसिक काम जीवन में कभी नहीं छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ना है। बेसिक काम किए रहोगे ना, कॉन्फिडेंस में रहोगे भाई, कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस। मैं आज तक कभी नहीं डरता, कभी नहीं डरता। मेरे 11 साल के करियर में आज तक सिंगल कोई डाउनलाइन ऐसा नहीं है जिसने मुझे धमकी दे दिया हो कि सर ऐसा करोगे तो मैं काम नहीं करूंगा। ये क्राउन डायमंड, रॉयल डायमंड तक आज तक मेरे सामने नहीं बोल पाए, क्योंकि इनको सबको पता है कि हम सबके डाउन में सर ने डाल रखे हैं बंदे। ये मुंह खोले उससे पहले मुंह में एक लड्डू डाल दो, हो गया काम खत्म। समझ में आ रहा है? आज भी मेरा फोन 24 आवर चालू होता है, 24 आवर फोन रिसीव होते रहता है। मैं ट्रेनिंग में बिजी रहने लगा, मैंने स्टाफ हायर किया, उसको पैसे दिए, उसका काम ही है फोन रिसीव करना। करना पड़ेगा, मेरे धंधे की डिमांड है, मुझे बेसिक काम करना पड़ेगा, ये बिजनेस की डिमांड है भाई। अगर हम नहीं करेंगे धंधा बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए पीएस वेलनेस में 1 करोड़ महीना कमाने की लोग बात करते हैं, एक आईडी पे हाईएस्ट कितना आएगा? 30 लाख, इतना ही तो आएगा रेगुलर। 1 करोड़ कैसे कमाओगे? 3 आईडी चलाओगे तभी तो कमाओगे। जब एक ही चलाने में तुम्हारी हालत खराब है, दूसरे आईडी के लिए कौन से अपलाइन के वो दोष दोगे बताओ? और कैसे चला लोगे बताओ मुझे? किसको दोष दोगे आप जब दूसरे की बारी आएगी? तो किसके सामने निगेटिव होके रोओगे बताओ मुझे? एक पे तो अपलाइन ने कमिट किया था, चल भाई 1 लाख तेरा चला दूंगा, नहीं चल रहा था, आज ड्रामेबाजी हो रही है। जब दूसरी चलाने लोगे तो किसको कंप्लेन करोगे बताओ? ये सत्य है, इस सत्य को जितना जल्दी समझ के करना शुरू कर दिए उतना सुकून से जिंदगी तुम्हारी चलेगी। बेसिक काम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको जीवन भर करना है।